देखिए दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसे बहुत ही कम टाइम के अंदर कैसे हम सोल्व कर दें। देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज एक रोम्बस है कि विकर्ण एक्स और वाई है, तो इसकी भुजा की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, मान लो ए सी जो डायगनल है इसको मैंने एक्स मान लिया और बी डी जो डायगनल है इसको वाई मान लिया। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए भुजा की लंबाई, मान लो ए बी की लंबाई हमें निकालनी है, कोई भी एक भुजा, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती है। तो इसके लिए आपको जो समचतुर्भुज है उसकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आती है तो सेकंडों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। प्रॉपर्टी क्या है? जो इसके डायगनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये टोटल ए सी अगर एक्स है तो ए ओ हो जाएगा एक्स बाई टू। ठीक है, और बी डी अगर टोटल वाई है तो ये हो जाएगा वाई बाई टू। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। हाइपोटेन्यूस आसानी से निकाल लोगे, ए बी स्क्वेयर इजक्ल टू ए ओ जो कि है एक्स बाई टू का स्क्वेयर प्लस वाई बाई टू का स्क्वेयर। ठीक है, तो ए बी स्क्वेयर क्या हो गया हमारे पास? एक्स स्क्वेयर बाई फोर प्लस वाई स्क्वेयर बाई फोर। ठीक है, तो अभी ए बी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास फोर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ए बी आ गया हमारे पास वन बाई टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी आवर राइट आंसर।